नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे वाम दलों की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 5 दिनों तक चली कांग्रेस पौंडचेरी में जहां पर हुई थी, उसमें कई अहम फैसले हुए और कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया गया। एजेंडा जिस तरीके से आगे बढ़ा है उसके सहारे समझने की कोशिश होगी कि आज के इस दौर में भारतीय राजनीति में वाम पार्टियां कहां पर खड़ी हैं, ये पहले से कितनी कमज़ोर या फिर पहले से कितनी मजबूत हैं, उनके एजेंडे में क्या है और क्या उन्होंने वैश्विक परिदृश्य में अपने आप को बदलने की कोशिश की है या फिर अपने उसी पुराने एजेंडे के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में आज हिस्सा ले रहे हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। संजय सिंह हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं CSDS से। संजय जी, आपका भी स्वागत है। निलोत्पल बसु साहब हैं, सेंट्रल कमेटी मेंबर CPI-M से। निलोत्पल का स्वागत है। और साथ ही साथ अमरजीत कौर हैं CPI से। अमरजीत जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मैं करना चाहूँगा अमरजीत जी आपसे कि जिस तरीके से ये जो 5 दिन की बैठक हुई, किस तरफ बढ़ने की का जो एजेंडा है वो अब आप लोग आगे बढ़ाएंगे, क्या उसमें नए चीज़ें मैं कहूँ कि इस एजेंडे में शामिल की गई आपके? देखिए, जो आम आवाम के मुद्दे होते हैं वो तो कभी भी नए या पुराने नहीं होते हैं। उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा हुई, क्योंकि हमारे पार्टी महाअधिवेशन में हमने इस बात को नोटिस लिया है कि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ मई 2014 में, कुछ बुनियादी परिवर्तन आए हैं जिसके प्रति वाम पक्ष को अब सजग होकर के पूरी जनता के साथ खड़े होने की, जहां हमेशा वो कवायद करते रहे हैं उसको तेज बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें हम ये समझते हैं बुनियादी अंतर ये है कि ये सरकार हिंदुस्तान के और विदेश के कॉरपोरेट घरानों के एजेंडे को लागू कर रही है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग को लगातार रिड्यूस कर रही है, इस बजट ने भी सिद्ध कर दिया, और किसानों के ऊपर हमला है, मजदूरों के ऊपर हमला है। और अब तो आप ये देखिए, ये सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के साथ खड़े होने वाली बात ही नहीं है, जो डेसेंट है उसको कैसे दबाना है, जो डिफरेंट वॉइस है उसको कैसे दबाना है, डाइवर्सिफाइड ओपिनियन को कैसे कुचलना है, और हमारा मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है और उसके अंदर टेररिज करना माइनॉरिटीज़ को, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो राइटर्स पे, रंगकर्मियों पे, विभिन्न बात लिखने और कहने वालों पे भी हमले बढ़े हैं, और उसके साथ साथ शिक्षा के अंदर परिवर्तनों की जो बात है वो साइंटिफिक जो सोच है, वैज्ञानिक सोच है, उसको कुंद करने की तरफ, लेकिन अमरजीत जी बढ़ाने की सबसे बड़ा सवाल है कि इसी वाम दल से इतिहास की, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बुनियादी परिवर्तन आया है, ये जो सरकार है ऐसे तत्वों को समर्थन दे रही है जो डेसेंट की आवाज को दबाते नहीं, हैं उस सरकार। हमारे महाअधिवेशन में हमने, जो आपने पूछा एक बिंदु मैं तुरंत बोलूं, हमने तुरंत एक कैंपेन लिया है लैंड बिल के क्वेश्चन पे, ठीक है, 14 मई को पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग मुद्दों पर एक एक करके आऊंगा, लेकिन पहले मैं एक समझना ही चाह रहा था आपसे कि किस तरीके से जो आप लोगों का दायरा था, जो आप लोगों का मैं कहूं कि एक ज़मीन थी, वो पहले से बहुत सिकुड़ती गई, उसको कैसे बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ेंगे, उसके लिए क्या एजेंडे में कुछ बदलाव है? आपकी आवाज़ पहले की तरह मुखर ज़रूर है, लेकिन आपका संख्या बल जो कि लोकतंत्र में सबसे अहम है वो पहले से कमज़ोर हुआ है राज्यों में भी और संसद में भी, उसे कैसे बढ़ाएंगे, इस तरफ क्या कोई फोकस किया गया है? हाँ, बिल्कुल फोकस किया गया है। मैं ये मानती हूँ कि वाम पक्ष की जो ताकत है वो विधानसभा और पार्लियामेंट में कम हुई, लेकिन वाम पक्ष की ताकत मजदूर और किसान के आंदोलन में कम नहीं हुई, आम आवाम के आंदोलन में कम नहीं हुई। उसकी परिणति वोट पॉलिटिक्स में नहीं हो पा रही है, ये हम भी मान रहे हैं, और हमने बिल्कुल सीधे सीधे निर्णय लिया है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करने की तरफ बढ़ेंगे, और उसी तरीके से हम चाहेंगे हर वाम पक्ष की जो पार्टी है वो और मजबूत हो। वाम पक्ष एकता की तरफ हमने फोकस लिया है। चलिए, दूसरा हमने फोकस लिया है कि इशू टू इशू वाम पक्षीय जनवादी ताकतें आएंगी, और कुछ इश्यूज के ऊपर जो पूरे देश के हित के, देश के अस्तित्व के प्रश्न है, उनके ऊपर ब्रॉडेस्ट पॉसिबल जो यूनिटी होगी वो आप दिखाएंगे। चलिए, ये अच्छी पहल है निलोत्पल, लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। वाम दल एक वक्त में एक बड़ी ताकत, मैं सिर्फ सड़कों पर नहीं कहूँ बल्कि संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, कई राज्य आप लोगों के पास थे, संसद में एक बड़ी ताकत हुआ करती थी कि सरकार बिना आपके कंसेंट के आगे बढ़ने से डरती थी। वो डर, वो खौफ कम हुआ क्योंकि संख्या कम हो गई। कैसे आज के दौर में वाम दलों की राजनीति को आप देख रहे हैं,
कैसे आप जो एक मैं कहूँ सिकुड़ता दायरा है, कैसे उसे रोकेंगे और बढ़ाने के प्रयास होंगे? देखिए, मतलब बढ़ना तो हमारे लिए एकदम तय है, इसलिए कि ये सरकार का और जो दक्षिण पंथ का जो उत्थान हुआ है इन दिनों में, इनका दो धुरी है। एक तो सीधा जो कॉरपोरेट समर्थन इनको प्राप्त हुआ है, जो लोगों का बहुत उम्मीद जगाया गया था 2014 के चुनाव के पहले, और आज लोग खुद महसूस कर रहा है क्या हुआ है इन दिनों में। और साथ साथ ये जो हिंदुत्व का एजेंडा, आप याद कीजिए 2014 में जो सिकुड़ने का हमारा प्रक्रिया बहुत बड़े पैमाने पे सामने आया, उस समय क्या बताया गया था कि 2002 का मोदी को भूल जाओ, ये नया मोदी है, ये विकास का भगीरथ है, और विकास लाएगा, कैसा विकास, किसके लिए विकास, बोला सबको अच्छा दिन मिल जाएगा देखने को। लेकिन आज जो किसान है, सबसे हमारे ज़्यादातर लोग हमारे समाज के आज भी किसान है, 60% लगभग। आप जाके देखो, दिल्ली के बाहर जाके देखो क्या स्थिति है। एक तो ये जो मतलब जो संकट हुआ है कृषि के अंदर, अब इतने 9-10 महीने में जितना तेज़ी से खुदकुशी बढ़ रहा है, जितना तेज़ी से उनका खर्चा खेती का बढ़ रहा है, जितना उसका पैसा कम मिल रहा है, मतलब एकदम तहस नहस हो गया। अभी प्राकृतिक आपदा आई, उसमें भी कोई मतलब उसको भरपाई करने का कोई प्रयास नहीं। लेकिन सवाल ही नहीं, तो इस स्थिति में आपसे क्या क्या आप बगल वाली राज्य प्रदेश हरियाणा में क्या सवाल है? गो रक्षा होगा, और वो गो रक्षा के चक्कर में जो फसल ऐसे भी किसानों का तहस नहस हो रहा है, उसमें आवारा जो पशु है वो उसको और तहस नहस कर रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग था, तो इसीलिए हमारा जो वोटर था, हमारे जो चुनावी समर्थन वापस आएगा लोगों के साथ लेकर, ये जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे वो विषमता का हो, चाहे वो लोगों के अंदर मतलब सौहार्द को यूनिटी की बात की हो, हाँ। और एक ऐसे विकास, जिस विकास के चलते देश की अधिकांश लोग सही मायने में अच्छे दिन के कुछ उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा ही सवाल पे वामपंथी पार्टी लड़ेंगे। और साथ साथ जैसे अमरजीत जी बोल रही थी, देखो हमारा तो वामपंथ सिकुड़ता जा रहा है, लेकिन ट्रेड यूनियन में मजदूर का जब लड़ाई होता है सब झंडा एक हो गया। अभी किसान के सवाल पे हमारा वामपंथ सिकुड़ता दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सारे रंग के सारे झंडे एक साथ मिलके ये जमीन अधिग्रहण के खिलाफ लड़ रहा है। चलिए, और साथ साथ आप इन दोनों धुरी में जो एक तानाशाही का प्रवृत्ति है, उसके खिलाफ एक व्यापक मंच निर्माण करने में भी वामपंथियों का अहम भूमिका रहेगा। चलिए रामकृपाल जी, क्या वाकई जो नीलोत्पल दा करें कि सपने दिखाए गए, इसलिए वो कैडर, वो वोटर, वो उनका मैं कहूँ कि एक जो बेस सब खींच सकता दिखा, या फिर वामदल आज के दौर में उस तरह की राजनीति से अलग है जिसके लिए राजनीति मानी जाती है, जात की राजनीति हो, या फिर मैं कहूँ कि अगर चीन को भी देखें, जिस तरीके से ग्लोबल जो बाजार खुला उसके हिसाब से अपनी नीतियों को बदला, खुद को बदला, उससे कहीं परहेज या गुरेज करती दिखी? देखिए, मैं अगर थोड़ा सा मुझे समझ लें, और 77-74 का दौर था जब हम लोग पढ़ते थे, जेपी मूवमेंट शुरू हुआ, तो हम भी उस आंदोलन में थे, और वामपंथी तो नहीं, लेकिन मेरी रुझान जरूर थी। मैं अपने को ये तो नहीं कहता कि मैं मार्क्सिस्ट हूँ, नहीं, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश थी। हम पर आरोप ये लगता था, एक जनरल जो बहस होती थी कि कम्युनिस्ट पार्टियां के बारे में बुराई जो की जाती थी कि ये तानाशाही होती हैं, यानी पहले जो प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप है, श्रमिक अधिनायकत्व है, वो पार्टी अधिनायकत्व में बदल जाता है, और पार्टी अधिनायकत्व व्यक्ति अधिनायकत्व में बदल जाता है। लेकिन मैं तारीफ करूँगा कि आज की इस हिंदुस्तान में कांग्रेस से लेके बीजेपी से लेके और आप पार्टी तक कहीं भी देख लीजिए, रीजनल पार्टियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, टीएमसी मतलब ममता बनर्जी, बीएसपी के मतलब बहन मायावती, समाजवादी मतलब मुलायम सिंह, एडीएमके का मतलब जयललिता जी, वो छोड़ दीजिए। अगर कहीं डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बची है तो सिर्फ लेफ्ट में बची है, जहाँ इस देश के ज्योति बसु को मना कर दिया सेंट्रल कमेटी ने कि नहीं आप प्रधानमंत्री बन सकते, नहीं बने, इस बात की मैं दाद देता हूं। और आपका जो ड्रामा हुआ है उसको देख के कोई भी कह सकता है कि एक डेमोक्रेटिक अगर कोई पार्टी है
संगठन के स्तर पर सत्ता में तो आए नहीं कभी, लेकिन लेकिन ट्रेजडी ये है कि जो बहुत सिद्धांतवादी और सैद्धांतिक चीज़ें हैं, इस 68 साल में कभी इस देश की जनता के सामने खड़ा होकर ये क्यों नहीं कर सके कि हम अल्टरनेट हैं। सीपीएम के एक बहुत बड़े नेता से एक बार अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा, अपना दर्द बयां कर रहे थे, भाई साहब हम इस मुल्क में 500 सीट का छोड़ो 250 सीट कभी नहीं लड़े। तो जब आप विकल्प बनने को तैयार ही नहीं हो, हमेशा दूसरे की डोली का आप डोली ढोते हो या दूसरे की बैसाखी, और उन पार्टियों की बैसाखी, मुझे याद है आज भी हम मूवमेंट में थे, सीपीएम थोड़ा सा नॉर्मल थी, सीपीएम भी खिलाफ थी, राजगोपालन जी का उस समय का भाषण अगर पार्लियामेंट में आप सुन लीजिए, और सीपीआई तो पूरी तरह से खिलाफ थी जेपी मूवमेंट के। बाद में क्या हुआ, जितने ये पार्टी जेपी मूवमेंट से निकली, रीजनल पार्टी ये वो चाहे जो भी कर लीजिए, उन्हीं के उन्हीं का सहारा बनते रहे। मुझे एक आदमी ने कहा कि बिहार में एक सीपीएम का कैंडिडेट जब ये कहता है कि नमोदरी एपाद जी को मत बुलाइए, मेरे सभा में लालू जी का भाषण करा दीजिए, ये सेंटेंस है बता रहा हूं मैं आपको, दिस इज द ट्रेजडी ऑफ द लेफ्ट। जब आप 68 सालों में विकल्प नहीं बने, सारी बातें हम आपकी मानते हैं, दूसरी पार्टियों में बुराई है, सब कुछ है, लेकिन आप कभी कांग्रेस के साथ, कभी लालू जी के साथ, कभी मुलायम जी के साथ, कभी किसी के साथ, और नतीजा क्या हुआ, उन पार्टियों के साथ जिनकी ना कोई सामाजिक आर्थिक सोच नहीं है, जिसका हमेशा से आप बुराई करते रहे, और इन्हीं समाजवादियों ने क्या क्या नहीं, हमेशा समाजवादियों ने कभी कांग्रेस पर अटैक नहीं किया, आप देख लीजिए पूरे लिटरेचर में सब बजा, हर जगह सीपीएम और सीपीआई पर अटैक किया, धोखा दिया, और नहीं हमेशा लोहियावादी रहे हैं, इन्होंने शुरू से ही अटैक किया है सिर्फ मार्क्सिस्टों पर, यहाँ तक कि एक सज्जन ने बड़े भारी थे चिंतक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने धर्मयुग में एक लेख लिखा कि मार्क्स वाज रेसिस्ट, क्योंकि उसने कहा कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जितने चाहे अत्याचार किए हों, लेकिन उन्होंने औद्योगिकरण की नींव रखी, ये तक कहा, लेकिन आज ये पूरी लेफ्ट पार्टी उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूम करके। आपके सवाल जो गंभीर सवाल का जवाब दोनों लोगों से पहले, संजय जी एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या वाकई आज की राजनीति में जो व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता से वामदलों के सिद्धांत उसे दूर कर देते हैं जनता से, उस नए मॉडल से जिसकी शायद सोच जो युवाओं के साथ जो कहा जा रहा है भारत में सपना दिखाया गया, उससे मैच नहीं करती, इसलिए बिल्कुल इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं, अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है। तीन लोकसभा के चुनाव देख लें, 2004, 2009 और 2014, अगर इन सारे चुनावों को देखें और इनमें देखें सीपीएम और सीपीआई, अगर दो पार्टियों को देखें, 53 से जाके 20 और 20 से घट कर करके वो अब 10 पे आ गई, अगर ये दो पार्टियां, और अगर वोटों का आंकलन भी देखें तो कहां 8%, 7% और अब 4% पे आकर के टिक गए हैं। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं कि इनका जो वोटरों के साथ, एक आम मतदाताओं के साथ जो जुड़ाव था, उससे कहीं दूर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वो साथ दिखाई पड़ते तो कहीं ना कहीं लोग इनको वोट देते, और अगर वोटों के दृष्टिकोण से दिखाई पड़ता कि पार्टियों का जनाधार है, और पार्टियों का जनाधार होता तो इनको ये सीटों में परिवर्तित होते। सब मिला के मुझे लगता है कि जरूर वोटर से, आम मतदाता से, आम जनता से ये कुछ दूर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल आंकड़ों के दृष्टिकोण से। नीलोत्पल दा, जो बात रामकृपाल जी कर रहे हैं, क्या वाकई ये दो बड़ी वजह हैं जो कि संजय भी इशारा कर रहे हैं आंकड़ों के लिहाज से, कि जो बड़े मुद्दे थे जैसे कि बाजार, या फिर जो रामकृपाल जी ने कहा कि विकल्प देने की कोशिश ही कभी नहीं की वाम दलों ने देश में, चुनाव ही इतनी कम सीटों पर लड़ते रहे और हमेशा ये उम्मीद करते रहे कि दूसरे के सहारे हम उन बड़ी पार्टियों के साथ शायद आगे बढ़ें जो कि विरोधी हैं नीतियों के लिहाज से। देखिए, एक वामपंथियों का एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है, मैं एकदम पूरा सहमत हूँ रामगोपाल जी के साथ कि हम, और हमारा मतलब अभी यहाँ पे स्टूडियो के बोलने के लिए नहीं, हमारा जो दस्तावेज, हमारा भी पार्टी कांग्रेस होने जा रही है 14 तारीख से विशाखापट्टनम में, तो उसके लिए जो मसौदा हमने तैयार किया है, जो हमने सार्वजनिक भी कर दिया है, उसमें एक पोर्शन है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, और पिछले जो हमारी राजनीतिक रणनीति थी उसके हमने मूल्यांकन किया है, और मूल्यांकन से भी यही बात निकल के आता है कि हमें वामपंथियों का विकल्प लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, और उसके लिए जो जो करना है वो हम करेंगे। हम पिछले दिनों में तात्कालिक जो सवाल थे, कभी भ्रष्टाचार का हुआ, कभी मतलब तानाशाही का हुआ, कभी सांप्रदायिकता का हुआ, तो उस लड़ाई में हम दूसरे लोगों के साथ मिलके वो लड़ाई में गए,
तो उससे हमारी जो वामपंथ का जो विशेषताएं हैं और उसके आधार पे एक विकल्प का सवाल जो है वो पीछे चला गया। तो इसीलिए अभी हमारा मुख्य जो बिंदु होगी और लोगों के सामने प्रस्तुति होगी वो एक वामपंथी, और उसके बारे में हमने दूसरा जो हमारी मसौदा है उसमें स्पष्ट किया है कौन कौन लोगों के पास जाएंगे, कौन कौन मुद्दे पे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ आंकड़ों के ऊपर ये जो सवाल को देखने से वो थोड़ा मतलब एक हिसाब से बेइंसाफी होगी। जरूर हाँ, जनाधार तो घटा है, नहीं तो वोट में क्यों वो प्रतिबिंबित नहीं होगा। वेस्ट बंगाल जैसे राज्य में जहाँ 37 साल इनका राज रहा और वहाँ अब 2 MP वहां से जीत के आ रहे हैं, तो अगर इसको जनाधार में गिरावट ना माने तो किस चीज को? सवाल तो है ना ये, इसलिए एक बहुदलीय व्यवस्था में एक पार्टी अगर 1-2-3 चुनाव में उसका अच्छा नहीं होगा तो आप ये अगर मान के चले जी हमेशा के लिए वो जनाधार खिसक गया है, वो भी एक सरलीकृत विश्लेषण होगा। चलिए मैं एक और पॉइंट जिस पर आऊंगा, उससे पहले अमरजीत कौर जी, क्या वाकई ये कहा जाए कि एक और जो इल्ज़ाम लगता है, फिर मैं कहूँगी कि एक जो विश्लेषक हैं कहते हैं कि वामदल जो है वो एक कुछ लोगों तक की सीमित पार्टी अपने को दिखाने की कोशिश करती है, यानी कि मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने में नाकाम रही है और आज के दौर में ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। देखिए, पहली बात तो जो पहली चर्चा चल रही थी उसमें मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं आपके इस बात का जवाब देती हूँ। जहाँ जहाँ वाम पक्ष विकल्प के रूप में उभरा और जनता को ये समझ में आई कि ये सरकार बना सकते हैं, तो हमारी सरकारें बनी, बंगाल में बनी, केरला में बनी, बारी बारी से UDF LDF आई। जहां हम विकल्प के रूप में जनता को नहीं दिखे तो जो दिग्गजों में किसको हराना है और उसको कौन हरा सकता है इसके लिए लोग वोट डालते हैं, तो वहां हम मार्जिनलाइज हुए। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर हम विकल्प पेश करेंगे और लोगों को हम आश्वस्त कर पाएंगे कि हाँ हम सत्ता में आ सकते हैं और बहुत नज़दीक आ सकते हैं तो जनता हमारे साथ नहीं आएगी। जनाधार गए हैं लेकिन वो जनाधार वापस इसलिए आएंगे कि लेफ्ट हमेशा गैल्वेनाइजिंग फोर्स रहा है। कोई सा भी प्रश्न हो, श्रमिकों का हो, मजदूरों का हो, आम आवाम के किसी भी हिस्से का हो, हम गैल्वेनाइजिंग फोर्स रहे, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और वो आज होने वाला है। केंद्र में बैठी सत्ता ने इतने मुद्दे हर हिस्से के लिए छोड़ दिए हैं, कोई समाज का हिस्सा नहीं है जो परेशान नहीं है और जिसको लीड देने के लिए, जिसके साथ जुड़ने के लिए वामपक्ष आज खड़ा नहीं होगा। लेकिन एक आरोप ये भी लगता है, आपने पूछी है जो दूसरी सवाल आपने पूछी है, दोहराएंगे जरा आप क्या कह रहे थे? तमाम जो वर्ग हैं समाज के उन सभी वर्गों को साथ क्यों नहीं ले, साथ नहीं ले पा रहे हैं। मैं आपसे बात कहूं, सरकार क्या कहती है, 47 करोड़ मजदूर है। 47 करोड़ मजदूर परिवार उनके गिन लीजिए कितने हैं, किसान के साथ कम्युनिस्ट खड़े हैं वो कितने हैं, खेत मजदूर के साथ खड़े हैं वो कितने हैं, लोअर इनकम ग्रुप, वेंडर, हॉकर, हर असंगठित क्षेत्र का मजदूर, उनके साथ श्रमिक हम खड़े हैं। तो 90% से ज्यादा जनता की लड़ाई लड़ने वाले वामपक्ष को ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम कुछ वर्ग और कुछ सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहां तक कि रिटेल ट्रेड के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस दोनों झांसा दे गए, दोनों झांसा दे गए रिटेलर को। सिर्फ वामपक्ष डट के खड़ा रहा वाजपेयी जी के पीरियड में भी और मनमोहन सिंह के पीरियड में भी और अब इस सरकार के पीरियड में, वी वर दी ओनली। और इसीलिए हम ये समझते हैं, इवन किसानों के मुद्दों के ऊपर हम ये नहीं कह रहे कि लेफ्ट ही लीड करे तो ही हमारे पीछे सब किसान आए, लेकिन लेफ्ट सड़कों पे उतरेगा, जैसे हमने तय किया 14 मई को पूरे देश भर के अंदर हम आंदोलन करेंगे इस लैंड बिल के प्रश्न के ऊपर। और हम तो तैयार हैं, कोई भी किसी भी सेक्शन का, लेफ्ट का, किसानों का ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए आप करेंगे आंदोलन, हम उनको आंदोलन दिखेगा। लेकिन एक जो बड़ा सवाल रामकृपाल जी, एक और कहा जाता है कि आर्थिक उदारीकरण 90 के दशक में शुरू होता है और वामपंथ का पूरा विरोध के बावजूद वो बखूबी तेजी के साथ रफ्तार भरता हुआ आगे बढ़ता है। क्या एक इमेज जो बनी इस तरह की कि शायद आप तमाम चीज़ों का विरोध कर रहे हैं वो सही नहीं है, उसके पीछे का तर्क ठीक नहीं है, क्या उसे समझाने में वामपंथ नाकाम रहा? और वो लाल झंडे वाले जो बड़ी रैलियाँ, बड़े आंदोलन होते थे, वो भी पिछले कुछ वर्षों में कमज़ोर हुए हैं, कम हुए हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और एक मेरे रिलेशन में ही थे भगवती सिंह, CPI-M से 2 बार विधायक चुने गए, उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 ही लोग हुआ करते थे, अकबर अहमद, एक बाबर और एक भगवती सिंह।
दो बार चुने गए उस जगह से जहाँ से आप पूरा पूर्वांचल का हिस्सा ले लीजिए, अगर लखनऊ से आप पूरब की तरफ जाएंगे वहाँ से लेकर के गाजीपुर से लेकर के पूरा बिहार का ये पूरी बेल्ट बामपंथ की बेल्ट थी एक ज़माने में, गाजीपुर के सरयू पांडे या ये सब सारा का सारा ये था, ख़त्म हो गया। अभी देखिए मैं बड़ा आदर करता हूँ, इन्होंने कहा कि 90% हमारे साथ मजदूर वो हैं, वोट आपको 8% आता है। सवाल है कि इसमें क्यों है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, जो आपके साथ है वो आपको वोट भी नहीं दे रहा है, कम्युनिकेशन गैप क्यों है, कहीं ना कहीं होगा, ये तो आप ही जवाब देंगे ना। अभी आपने कहा 90% हमारे साथ रहते हैं और वोट 8% नहीं, इस देश में जिसको 35% वोट मिल रहा है वो 282 सीटें ला रहा है और आपके पास 90% लोग हैं और आज तक 68 सालों में आप 500 कैंडिडेट नहीं खड़े किए, तो आप सीधी एक बात है कि जब आप, मैं कहता हूँ ठीक करते हैं आप मुद्दों पर बेस पर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जिन जिन को आगे बढ़ाया है वो कितने वामपंथी रहे हैं, कितनी आपकी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की समझ उनको है, उन्होंने क्या किया है। आज जो कांग्रेस बिल लाई है 68 सालों के बाद, मैं आपको बता दूं, मैं गांव का रहने वाला हूं, आज गांव में किसान अपने बेटे को सिपाही बनाने के लिए खेत बेच रहा है और गरीब, मैं बताऊं आपको, गरीब वही है जो खेती पर रह गया, अमीर वो हो रहा है जो खेती से बेदखल होकर के कहीं और जा रहा है। आज आप बताइए, एक आंकड़ा होगा अभी आप लोगों, मैं तो सरकारी आंकड़े की बात करता हूँ, एवरेज किसान की इनकम अभी पिछले कुछ दिनों में एक आया है अखबारों में, एवरेज इस देश में किसान की इनकम 3000 या कितना एक आंकड़ा आया है कुछ ऐसा है, और डेली वेजेज उससे जाए, आप दोनों को पलटी कर लीजिए, ये एवरेज किसान की इनकम, किसान की इनकम और भूमिहीन की इनकम, क्षमा कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 68 सालों से कितने साल एनडीए रही है, कितने साल कांग्रेस रही है, जिसका आप लोगों ने साथ दिया, आपने बिहार में साथ दिया, यूपी में साथ दिया, पीजेंट्री पार्टीज का चरण सिंह का साथ दिया, जहाँ तक जमीन अधिग्रहण का सवाल है क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं माफी चाह रहा हूँ सबसे, एक आखिरी देश में समझना चाह रहा था आधा मिनट चाहूंगे जी, बिल्कुल बहुत संक्षेप में, जिस तरीके की राजनीति हो गई है क्या आपको लगता है कि अपने उस राजनीतिक सोच को आज के दौर में बदलने की जरूरत है या आप अपनी पुरानी सोच के जरिए आज की राजनीति बदलेंगे? देखिए पुराने सोच हम उसको नहीं कहेंगे, बुनियादी सोच तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन दुनिया का परिवर्तन हो रहा है, हमारे सामाजिक परिदृश्य में भी परिवर्तन आया है, जो बार बार इशारा कर रहे थे रामगोपाल जी वो भी सही है कि पहचान के राजनीति एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया, एक जो खेत मजदूर है वो खेत मजदूर है या वो जाधव है या दूसरा कोई जाति के है, इस किस्म का जो सोच है वो सामने आया है, तो इसीलिए वामपंथियों के सामने यही चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है कि सामाजिक जो सवालात है उसको आर्थिक सवालात के साथ कैसे समझिए, ये जो ज्यादातर लोगों को हम कैसे समावेश करें। वक्त की कमी है, बहुत संक्षेप में एक आखिरी, मैं ये कह रही हूँ, मैं मानती हूँ कम्युनिकेशन गैप है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 90% जनता हमारे साथ खड़ी हो गई, वो तो जिस दिन खड़ी हो जाएगी तो फिर वाहवाह हो जाएगी ना, मैं ये कह रही हूँ कि 90% जनता की लड़ाई लड़ते हैं हम, उसके साथ डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन नहीं है, वो रिलेट नहीं होता संघर्ष वोटों में। चलिए अभी कम से कम बात, असल दिक्कत है ये जनता के साथ खड़े, जनता इनके साथ खड़ी है, चलिए, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस बहुत अलग होती है, जी वक्त की कमी है, मैं माफी चाह रहा हूँ आपको कि आप शायद पूरी बात नहीं रख पा रही, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और जो अहम बात है कि किस तरीके से जो वाम दल है वो भारत में अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे और जो आज की राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कितनी मजबूती के साथ आम जन की आवाज को उभारेंगे बढ़ाएंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बने रहिए आप राज्यसभा टीवी के साथ।